आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना बटर पनीर का कलर, उसका टेक्सचर देखिए आप, और बटर पनीर की थिकनेस देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे बटर पनीर मसाला, और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसके लिए लिया है मैंने 200 ग्राम पनीर। इसको हम पहले मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट के लिए हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पनीर पे लगा देंगे और हल्के हाथ से लगाएंगे। तो हमारा पनीर मैरिनेट हो गया है, इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। और अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने एक टमाटर काट करके लिया है, तो इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। दो हरी मिर्ची तोड़ करके लिए है, 15 से 20 काजू हैं जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था, उसे भी डाल देंगे। अब यहीं पे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची भी डालेंगे। लाल मिर्ची से टमाटर के पेस्ट का कलर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही पीसेंगे। तो ये देखिए एकदम हमने फाइन पीसा है, और आप कलर देखिए इसके टमाटर के पेस्ट का कितना बढ़िया आया है। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहीं पे हम बटर भी डाल देंगे। बटर को तेल डालने के बाद ही डालें, इससे बटर हमारा जलता नहीं है। अब यहीं पे हम पनीर डाल देंगे, और पनीर को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। पनीर को एक साइड से पहले फ्राई होने देंगे। तो पनीर हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, हल्का गुलाबी कलर आ चुका है, पनीर को हम निकाल लेंगे। पनीर को बहुत देर तक फ्राई ना करें, पनीर हार्ड हो जाता है ज़्यादा देर तक फ्राई करने से। हल्का सा ही इसको फ्राई करके और निकाल लें। पनीर हमने निकाल लिया है, अब हम ग्रेवी बना लेंगे। इसी तेल में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब यहीं पे हम खड़े मसाले डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और 3 इलायची। खड़े मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाले हमारे भून चुके हैं, यहीं पे हम प्याज डाल देंगे। ये मैंने 1 बड़ी प्याज काट के ली है, और प्याज को हम अच्छा गुलाबी होने तक भूनेंगे, और गैस की फ्लेम को तेज ही रखा है, तेज़ फ्लेम पे ही प्याज को चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है प्याज में हमारे। यहीं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो ये देखिए प्याज अदरक लहसुन हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब यहीं पे हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले को एक बार चला लेंगे, और अब यहीं पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जैसे मसाले हमारे जले ना। मसाले को चलाते हुए ही भुनेंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब यहीं पे हम टमाटर और काजू का पेस्ट डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। मसालों को हमें चलाते हुए ही भूनना है। अब यहीं पे हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, और नमक को भी हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और मसाले को हम चलाते हुए ही भूनेंगे अब जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो आप देखिए मसाले का कलर कितना बढ़िया लग रहा है देख करके ही। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब यहीं पे हम पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। तो ये मैंने गरम पानी लिया है, ये छोटे गिलास से मैंने 1/4 गिलास पानी डाला है। एक बार इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे, और अब ग्रेवी को हम 1 बॉईल आने तक पकने देंगे। तो देखिए ग्रेवी में हमारे उबाल आ चुका है,
अब यहीं पे हम पनीर डाल देंगे और पनीर को भी हम मिला लेंगे। पनीर डालने के बाद इसको बहुत देर तक नहीं पकाएंगे। अब यहीं पे हम क्रीम डालेंगे। तो मैंने ये फ्रेश क्रीम ली है। यदि आपके यहाँ मलाई हो तो आप मलाई को भी मिक्स करके अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच क्रीम डालूँगी। अब यहीं पे थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देंगे और अब फ्रेश धनिया डाल देंगे। आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बटर पनीर का कलर, उसका टेक्सचर देखिए आप, और बटर पनीर की थिकनेस देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है। आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे ऊपर से और थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। देखने में कितना लजीज लग रहा है ना बटर पनीर मसाला। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फटाफट से हमारा बटर पनीर मसाला बन करके तैयार हो गया और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार इसे बना लेंगे ना तो बाकी के सारे तरीके भूल जाएंगे। थोड़ा सा हम यहीं पे क्रीम से इसे गार्निश करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारा बटर पनीर मसाला बन करके तैयार है, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा। तो आप इस तरीके से बटर पनीर मसाला बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको बटर पनीर मसाला की रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।